हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जैसे मैंने कहा कि चैप्टर के तीन पार्ट हैं, नॉमेनक्लेचर वो फिनिश हो गया और अब हम सेकंड पार्ट लेंगे, दैट इज वेरियस बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो हेडिंग लिखो वेरियस बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो मेनली हमें जो थ्योरी पढ़नी है वो पहली चार थ्योरी हैं। हालांकि मोस्ट एडवांस थ्योरी तो अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, जो कि हमारे सिलेबस में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए नहीं है। तो पहली थ्योरी द फर्स्ट वर्क वॉज डन बाई वर्नर्स। तो वर्नर्स थ्योरी, सेकेंड इज सिडविक सीएन रूल, थर्ड इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें पढ़ना है, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन कम्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी यही है जो हमें पढ़नी है। इसको हम वीपीटी बोलते हैं, हालांकि ये वीपीटी हमने पढ़ी हुई है इन केमिकल बॉन्डिंग, वही वीपीटी यही है, कोई अलग नहीं है। ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट वहां भी था, यहां भी ओवरलैपिंग का ही कॉन्सेप्ट है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये बिल्कुल अलग थ्योरी है, सीएफटी बोलते हैं इसको। एंड फिफ्थ इज लिगेंड फील्ड थ्योरी। इट इज एक्चुअली मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो दिस इज एमओटी और ये सिलेबस में नहीं है, नॉट इन आईआईटी जेई मेन या एडवांस्ड सिलेबस। तो ना ये बोर्ड की रिक्वायरमेंट के लिए है, ना आईआईटी के लिए, ना मेंस, ना एडवांस, ना नीट, कहीं नहीं है। हमें मेनली ये चार थ्योरी ही पढ़नी है। सो वी हैव टू स्टडी दीज थ्योरीज, वर्नर्स कंट्रीब्यूशन, सिडविक सीएन रूल, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हालांकि बता देंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का क्या ड्रॉबैक था, जिसकी वजह से लिगेंड फील्ड थ्योरी इज द मोस्ट एडवांस्ड थ्योरी विच एक्सप्लेन्स द कंपाउंड्स नाउ वेरी वेल। हम जानते भी हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज द मोस्ट एडवांस थ्योरी। चलिए वन बाय वन वी शैल टेक नाउ। हेडिंग लिखो वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। फर्स्ट वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी क्या पॉस्टुलेट्स हैं। वर्नर साहब को नोबल प्राइज भी मिला फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हालांकि आज ये थ्योरी फेल हो चुकी है, ये पुरानी थ्योरी है, समवेयर 1880-90 के आसपास की थ्योरी होगी, ये 1900 से पहले की थ्योरी है ये। तो क्या पॉस्टुलेट्स हैं पॉइंट वाइज। फर्स्ट, अब देखो जबकि ये थ्योरी है, जब हम ये टर्म यूज़ नहीं करते थे लाइक कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, तब हम टर्म यूज़ करते थे प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। तो उनके टर्म्स में ही हम यहाँ डिफाइन करेंगे। तो क्या पॉस्टुलेट्स क्या हैं, सेंट्रल मेटल एटम सेटिस्फाइज टू टाइप ऑफ वैलेंसीज। कौन सी टू टाइप ऑफ वैलेंसीज, प्राइमरी वैलेंसी, नाउ नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। तो एनीथिंग विच इज यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी विच इज सेटिस्फाइड बाय
एनायनिक स्पीशीज, हालांकि जबकि थ्योरी है, हालांकि ये कैटायनिक स्पीशीज से भी सेटिस्फाई हो सकती है, बट कैटायनिक लिगेंड्स तो बहुत ही रेयर हैं, उस समय हो सकता है वो डिस्कवर्ड भी ना हो, तो एनायनिक स्पीशीज वाला पॉइंट्स लिखा जाता है इसमें, सेकेंडरी वैलेंसी। नाउ नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर, आप जानते हो कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल एटम का, कि हाउ मेनी सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द लिगेंड्स विद द सेंट्रल एटम, तो नाउ नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर सेटिस्फाइड बाय बाय एनायनिक एंड न्यूट्रल स्पीशीज। तो ये एनायनिक और न्यूट्रल स्पीशीज इसको सेटिस्फाई करते हैं। सेकंड पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल एंड नॉन डायरेक्शनल। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल एंड डायरेक्शनल, और समझ में भी आती है क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल है, सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल है, तो इट मस्ट फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो इसका मतलब ये आयोनाइजेबल है, तो आयनिक इंटरेक्शन हो गया, तो यहां आयनिक इंटरेक्शन है, आयनिक इंटरेक्शन विद मेटल। जबकि सेकेंडरी वैलेंसीज डू नॉट हैव द आयनिक इंटरेक्शन, दैट्स व्हाई वी नो, टुडे वी नो दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल एटम एंड लिगेंड्स। लिगेंड वाला वर्ड भी यूज नहीं होता था उस समय पे, केवल प्राइमरी वैलेंसीज एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। तो प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल है, नॉन डायरेक्शनल है, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल है बट डायरेक्शनल है। थर्ड, ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड इज डिपेंडेंट ऑन सेकेंडरी वैलेंसीज। For pictorial representation, of coordination compound, primary valency, primary valency is shown by dashed lines, इस टाइप से, secondary by solid lines, इस टाइप से। तो क्या बात कह रहे हैं, ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड इज डिपेंडेंट ऑन सेकेंडरी वैलेंसीज, फॉर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्राइमरी वैलेंसी इज शोन बाय द डैश्ड लाइंस एंड सेकेंडरी बाय सॉलिड लाइंस। सम स्पीशीज शो बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज, and are shown by इस टाइप से, solid line as well as dashed lines like this। तो इस तरीके से ये show किए जाते हैं geometrical representation के लिए। तो these were the points, एक point याद रख लो, ये question solve करने में easy रहेगा आपका,
कि सेंट्रल एटम को जो सेटिस्फाई करने वाली स्पीशीज हैं अगर वो कोऑर्डिनेशन नंबर में काम आ रहे हैं कैलकुलेशन में तो सेकेंडरी वैलेंसी, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन में काम आ रहे हैं तो प्राइमरी वैलेंसी, और दोनों में काम आ रहे हैं तो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। तो स्पीशीज यूज्ड इन ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन दे आर प्राइमरी, स्पीशीज यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेशन सेकेंडरी, और स्पीशीज यूज्ड इन ऑक्सीडेशन नंबर एज वेल एज कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेशन तो वो प्राइमरी भी होंगी एंड सेकेंडरी भी होगी वो, और उसका रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया भी था सॉलिड लाइन एज वेल एज डैश्ड लाइन, ये रिप्रेजेंटेशन होगा। तो ये तरीका भी है जो कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेशन में काम आए दैट इज सेकेंडरी, दो जो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन में काम में आए वो प्राइमरी, और जो दोनों काम में आए तो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन होता है। चलो इस बात को देखते भी हैं। मान लो ये कोई कंपाउंड है, फॉर एग्जाम्पल मान लो प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसीज आर वेल एस्टैब्लिश्ड एंड कंपाउंड इज CO NH3 6 CL3। मान लो ये कंपाउंड है और इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करना हो तो साफ दिखाई पड़ता है कि ऑल 6 अमोनिया आर सेकेंडरी वैलेंसीज, तो 6 अमोनिया क्या हैं सेकेंडरी वैलेंसीज, और तीनों क्लोराइड आयन ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का +3 है, और ये किसने डिसाइड किया, अमोनिया का कंट्रीब्यूशन तो है नहीं, अमोनिया जीरो है चार्ज, तो क्लोराइड आयन ने, तो ऑल द क्लोराइड आयन तो 3Cl- दे आर प्राइमरी। तो जरा इसका रिप्रेजेंटेशन अगर देखें तो कैसा होगा, समथिंग लाइक दिस, कोबाल्ट 3+, 6 प्राइमरी वैलेंसीज हैं तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में इनको रिप्रेजेंट करो सॉलिड लाइन से लाइक दिस। सो दिस इज NH3, ये NH3, यहां NH3, ये भी NH3, ये भी NH3, एंड कहीं भी आप तीन क्लोराइड आयन की वैलेंसी शो कर दो डैश लाइन से, Cl- Cl- Cl-, तो ये है वर्नर्स रिप्रेजेंटेशन। इस तरीके से रिप्रेजेंट होते थे पहले, आज इनकी कोई वैल्यू नहीं है, आज यूज में नहीं आते ये, तो वर्नर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ CO Cl3 डॉट 6NH3 और CONH3 6Cl3। अच्छा एक बात देखो, ये तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया, कैसे कोबाल्ट क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन में अमोनिया गैस पास कराई होगी, तो मान लो ये कंपाउंड बन गया COCl3.6NH3। चलो ये तो कंपाउंड का कंपोजिशन आ गया हमारे पास COCl3.6NH3। अब वर्नर्स आपको पता कैसे चला कि ये 6 के 6 अमोनिया सेकेंडरी वैलेंसीज हैं और 3 क्लोराइड आयन प्राइमरी वैलेंसीज हैं, मालूम कैसे पड़ा, उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर किया, उन एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स के बेसिस पर ही एस्टैब्लिश्ड दैट विच स्पीशीज विल सर्व एज ए प्राइमरी एंड विच विल सर्व एज सेकेंडरी वैलेंसी, तो दैट ऑल्सो वी हैव टू स्टडी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं फॉर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। मान लो कुछ कंपाउंड ऐसा हो CO NH3 4 Cl2 और ये Cl, कोबाल्ट अभी भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये प्राइमरी वैलेंसी हो गई, ओनली ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन में काम आ रहा, और चारों अमोनिया सेकेंडरी हो गए, बट ध्यान दो ये दोनों क्लोराइड आयन दिस 2Cl- सर्व एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी।
बोथ, ये दोनों को सर्व करेगा। आई बात समझ में? और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा मैं दिखा देता हूं। कोबाल्ट 3+, अब छह ऑल टुगेदर प्योरली सेकेंडरी, चार अमोनिया और दो क्लोराइड आयन सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों हैं, तो इफेक्टिवली छह तो हैं। तो छह के लिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में इस तरीके से बना लो, चार अमोनिया NH3। अब वो चार अमोनिया अलग अलग पोजीशंस में भी हो सकते हैं, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट शोज आइसोमरिज्म। तो वो आइसोमरिज्म की हम बात कहीं भी कर लेंगे। अभी हम आइसोमरिज्म को कोई वैल्यू नहीं दे रहे, और हम कहीं भी जहां हमारा मन करे वी कैन पुट द वैल्यूज ऑफ अमोनिया। मान लो इस तरीके से रख दिया, अभी हम इस बात का ध्यान नहीं दे रहे कि दे कैन बी आइसोमर्स ऑल्सो। आइसोमरिज्म अलग से पढ़ेंगे। और ये तो चार हो गए सॉलिड लाइन से, और ये दोनों क्लोराइड आयन जो हैं, दो सीएल जो हैं, क्या हैं ये? प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। तो ये यहां रख दो, सीएल माइनस प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। इसके अलावा एक क्लोराइड आयन प्योरली प्राइमरी है, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से प्राइमरी में एक सीएल माइनस शो कर दो। ये है वर्नर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ CONH3 4 Cl2 Cl। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन बाय वर्नर, जिसकी अब कोई इंपॉर्टेंस है सच नहीं है, ये पूछे भी नहीं जाते। तो हम वापस अगले वीडियो लेक्चर में क्या बात करने वाले हैं? वर्नर्स आपको कैसे मालूम पड़ा कि कौन प्राइमरी है और कौन सेकेंडरी वैलेंसीज है? लिखा थोड़ी है किसी के माथे पर, थोड़ी लिखा है प्राइमरी है सेकेंडरी है। अरे COCl3.6NH3 में मैंने अभी अभी बताया कि छह जो हैं वो सेकेंडरी हैं और तीनों क्लोराइड आयन प्राइमरी हैं। कैसे मालूम पड़ा? फॉर दैट ही डिड सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज वर मेजर्ड फॉर द सोल्यूशंस और कंपाउंड्स एंड अकॉर्डिंगली ही एस्टैब्लिश्ड हु इज प्राइमरी एंड हु इज सेकेंडरी। ऑल दैट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। दैट्स इट फॉर नाउ।